सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं सुमन कुमारी RJS युवा टोली की सक्रिय सदस्य हूँ। RJS TJAPS KBSK द्वारा आयोजित आजादी की अमृत गाथा की कड़ी के 34वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं। हर रविवार राष्ट्रीय वेबिनार के मंच पर आज मैं आप सबों के सामने श्री भिखारी ठाकुर जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुई हूँ। भिखारी ठाकुर जी का जन्म बिहार के सारण जिला के कुतुबपुर दियारा में सन 18 दिसंबर 1887 ईस्वी में एक नाई परिवार में हुआ था। आप बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति रहे हैं। आप भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना एवं अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। आपकी महान कृतियों के कारण ही आपको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने अपनी मातृभाषा को ही काव्य और नाटक की भाषा बनाया। वे जीविकोपार्जन के लिए गांव छोड़कर खड़गपुर चले गए थे, परंतु वहां वे अपने कार्य से संतुष्ट नहीं थे। अंततः अपने गांव वापस आ गए और एक नृत्य मंडली बनाई और इसी मंडली के माध्यम से रामलीला खेलने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने नाटक, गीत एवं पुस्तकें लिखना भी प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा लिखी पुस्तकों की भाषा बहुत ही सरल थी, जो सभी जनसाधारण के लिए सुगम थी, जिस कारण लोग बहुत आकृष्ट हुए। उनकी लिखी किताबें वाराणसी, हावड़ा एवं छपरा से प्रकाशित हुई। वे अपनी नाटक मंडली के साथ साथ ही विदेशों का भी दौरा किया। आप इतनी प्रतिभा के धनी थे कि आपकी व्याख्या करना मेरे लिए गागर में सागर भरने के समान है। वे अपनी नाटक मंडली के मंचन द्वारा लोगों का मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक उपदेश भी दिया करते थे और समाज में व्याप्त तात्कालिक कुरीतियों पर भी जोरदार वार किया करते थे। आप नाटक में अभिनय करने के साथ ही स्क्रिप्ट भी स्वयं ही लिखा करते थे। उस समय के तात्कालिक अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी। इनका नाटक देखने लोग मीलों पैदल चलकर आने पर भी मना नहीं कर पाते थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में विदेशिया और बेटी बेचवा प्रमुख है। आज भी बड़े ही शिद्दत से इनके द्वारा लिखी किताबें, नाटक पढ़ी जाती हैं और उस पर चर्चा भी होती है। ये दोनों इसलिए भी खास हैं क्योंकि इसमें तात्कालिक समस्याओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया था, जो आज भी उतना ही ज्वलंत विषय है, जिसके प्रभाव को हम सभी ने इस कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के दर्द के रूप में देखा। इनका स्वर्गवास 10 जुलाई 1971 को हुआ, परंतु आज भी अपने कार्यों के कारण, अपने नाटकों के कारण,
वे जीवित हैं और सदैव इन रचनाओं में जीवित रहेंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं संपूर्ण आरजेएस परिवार के भाई बहनों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आरजेएस जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।